What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. First of all, Happy New Year to all of you. देखिए मेरे दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ में हो रही है और आप लोगों के दिन की शुरुआत मेरे साथ में हो रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये साल बड़ा ही शानदार रहने वाला है हम दोनों के लिए, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसीलिए हम मिलके इसको एक प्रोडक्टिव ईयर बनाएंगे। और देखिए आप लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि देखिए 365 दिन को आप लोगों को एक एक दिन को यूटिलाइज करना है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि क्या हाल है, कि नहीं यार टाइम पास चल रहा है, ये वर्ड कभी यूज नहीं करना है। हमेशा आप लोगों को अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और इस टाइम को यूटिलाइज इतने शानदार तरीके से करना है कि मॉर्निंग तक इवनिंग तक आप लोगों को जिंदगी को जीना है। काटना नहीं है कि यार बस कट रही है, वो वर्ड यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये बोलना है जी रहा हूँ और जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक एक दिन को जीना और फिर देखिए आप इन 365 दिनों को कितने शानदार तरीके से जीकर अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बना पाएंगे और अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन भी दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे तो अपनी लाइफ को डायरेक्शन भी दे पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इसी तरीके से अपने साल को जिएंगे, जिस तरीके से एक एक दिन को आप लोग न्यू ईयर की तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो आज 1 जनवरी है। पहले हम लोग नैनो मैगजीन में देखेंगे अपना PIB का, फिर उसके बाद में देखेंगे हम योजना का पोर्शन, और फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और फिर आप लोगों के लिए जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे उनका आप लोगों को आंसर मिलेगा। डेली 4 बजे आपका टाइम रहेगा ये कंप्लीट ईयर। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि 4 बजे उठने की और उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनर्जी सेक्टर से। तो यहाँ पर बात की जा रही है जनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के ऊपर हम लोग लास्ट लेक्चर में भी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की जा रही है डिपार्टमेंट की, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो कमीशन ऑफ इंडिया है इसको 70 ईयर यहाँ पर इसको कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है और क्या काम करता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो भी एटॉमिक फ्यूल है उनको किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करके, नॉर्मल तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब मिसाइल बनाने के लिए, बम वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, पर लेकिन जनता के, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे कि हम एनर्जी को अच्छे से यूज करके अपनी जनता को एनर्जी यानी कि लाइट वगैरह प्रोवाइड करा सके और उसका अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। तो याद रखिएगा एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1948 में। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को अच्छे से यूज कर अपने लिए एनर्जी यूज कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो 22 जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं हमारी कंट्री में, कुछ पर वर्क चल रहा है और कुछ काम कर रहे हैं अच्छे से। तो आने वाले टाइम में ये कोशिश की जा रही है कि देखिए ये एनर्जी जो आज की डेट में यहाँ पे आप लोग देखते हैं 6780 मेगावाट है, इसको आने वाले टाइम में बढ़ाकर 22480 मेगावाट करने की कोशिश की जा रही है 2030 तक। ठीक है, तो ये किसके द्वारा आप लोग देख सकते हैं, भिवानी इसको बोला जाता है, भारतीय नाभिकीय विद्युतीय निगम लिमिटेड। तो नाम याद रखिएगा इसका भी, ये इसी के लिए कंप्लीटली जो न्यूक्लियर पावर है उसी के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं प्रोजेक्ट। तो आप लोग देख सकते हैं इसको जो ये डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया है ये किसके अंदर आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर में ये कमीशन आता है जो हमारा ये वर्क करता है। इसको देखिए ये इसका जो गठन किया गया था इसका बाद में आप बिल्कुल उसी तरीके से देख सकते हैं इसको कंपेयर करके, जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन ही था, प्लानिंग कमीशन और फिर आप लोगों के लिए था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पहले प्लानिंग कमीशन बन गया पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बाद में बना उसको एक तरीके से डायरेक्ट करने के लिए, इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। 1954 में इसका गठन किया गया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की डेट में ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, जितेंद्र सिंह है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास में इसका। तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या होता है, देखिए ये एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, मतलब किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जनरेट नहीं किया जाता है इसके द्वारा, और पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है, देखिए सस्टेनेबल मैनर में इसका ढंग से यूज किया जाए तो हर एक तरीके से इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। पर लेकिन वही बात है कि अगर कल को प्रॉब्लम आ जाती है तो कई सारी हमको प्रॉब्लम झेलनी भी पड़ सकती है। पर लेकिन देखिए जब भी कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि उस पर कल को कोई मिसाइल आए या कल को कोई तूफान आए, कल को कोई किसके ऊपर किसी भी तरीके से ट्रक वगैरह अटैक करे या फिर कोई किसी भी तरीके से यहाँ पर सुनामी वगैरह आ जाए तो इस पर इम्पैक्ट ना पड़े, इस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है। तो बहुत ही सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेवलप किया जाता है जिससे कि किसी भी तरीके से इसको अगर कल को टूट फूट जाए, वरना आप लोगों ने जापान का नाम सुना होगा, देखिए जापान में जब न्यूक्लियर रिएक्टर पे
जब सुनामी की वजह से वहां पर प्रॉब्लम हुई थी, तो आज की डेट तक भी वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप लोग अपने ही कंट्री का एक उदाहरण और ले सकते हैं, 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो देखिए, ये कुछ ऐसे मतलब न्यूक्लियर ये कुछ ऐसे न्यूक्लियर न्यूक्लियर ईंधन होते हैं, अगर मान लीजिए ये गलत तरीके से यूज हो रहे हैं या फिर इनका कोई इस तरीके का, मान लीजिए आप लोग एटम बम का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए गए थे। मतलब ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ये काफी लंबे समय तक इन्वायरमेंट में अवेलेबल रहते हैं। अगर किसी भी तरीके से ये बाहर रिस जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पर इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जितना देखिए फायदेमंद है उससे ज्यादा बोलूंगा मैं खतरनाक है अगर ये किसी भी तरीके से ये इन्वायरमेंट में आ जाते हैं एक नेगेटिव वे में, ठीक है। तो इसीलिए इसको बहुत ही प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे रिएक्टर हैं उनको बनाया जाता है, ताकि किसी भी तरीके इन पे इम्पैक्ट ना पड़े, और लगे अगर कोई भी इनके ऊपर अटैक हो रहा है या फिर कोई भी सुनामी वगैरह कोई इस तरीके का इनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि अपना आप शट डाउन हो जाते हैं वहीं पर ही, ठीक है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर कंप्लीट ये प्रोजेक्ट चलता है, जिस तरीके प्रॉपर वे में इसको यूटिलाइज किया जा सके। और हमारी कंट्री तो आज के डेट में फिर भी बहुत कम है इसको यूज करने के लिए। अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो आप लोग देखते हैं यूरोपियन यूनियन में बहुत शानदार तरीके से इसको यूज किया जाता है। और आज के डेट में एक पैटर्न और आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कंट्री जो है ना वो सब न्यूक्लियर फ्यूल हो गए या फिर दूसरे जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि इम्पैक्ट गलत डालते हैं, अगर कल को कोई प्रॉब्लम होने लगे, मान लीजिए किसी को लड़ाई होने लगे, तो सब टारगेट किसको करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करें आराम से, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी का काम ही अपना आप कर देंगे वहां पर। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि हर एक कंट्री के द्वारा मैक्सिमम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ये सब इस तरीके के जो ईंधन होते हैं सबसे हटकर रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसको यूज करने के लिए सब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आज की डेट में। तो देखिए, हालांकि इंडिया और चाइना तो अपनी ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री पर। लेकिन देखिए, दूसरी कंट्री जो है यूएसए भी आज की डेट में, और यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को। पर आने वाले टाइम में देखिए, सबसे बड़ी बात होती है एनर्जी की, अगर हमारे यहाँ पर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम किस तरीके से, ये आज की डेट में आप लेक्चर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइट से अपने मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लेकिन अगर हम जब ये एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले हम लोग अपनों को एनर्जी सिक्योर करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर हम अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं न्यूक्लियर से जो नॉर्मल एनर्जी होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उस एनर्जी की ओर को। ओके, यहाँ पर थोड़ा आप लोग देख सकते हैं थर्मल जो कोल गैस से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम पार्ट वो होता है। दूसरे नंबर पर हाइड्रो देखने को मिलता है, हाइड्रो पावर से जो प्रोड्यूस की जाती है, रिन्यूएबल पावर आप लोग देख लीजिए, और तीसरे नंबर पर जो चौथे नंबर पर हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर ही आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, और सबसे ज्यादा फोकस तो रिन्यूएबल पे हम लोग दे ही रहे हैं। आप लोगों को टारगेट भी पता होगा, 2022 तक हमारे यहाँ पर टारगेट लगा रहे हैं 175 गीगावाट का। ठीक है, वो मैं आप लोगों को कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा जाकर। और देखिए, हर एक एरिया में आप लोग आज की डेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, काकरापारा हो गया यहाँ पर, ये कहाँ पर हो गया, ये आप लोग गुजरात में देखने को मिल रहा है। मीठी वृद्धि भी गुजरात में देखने को मिल रहा है, कहेगा आप लोगों को यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जैतापुर भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, कुंदाकुलम इतना ज्यादा न्यूज में था, ये रशिया के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में था, आज की डेट में ये वर्क कर रहा है ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, कल पक्कम आप लोगों को यहाँ पर चेन्नई में देखने को मिलेगा, तारापुर आप लोगों को तारापुर यहाँ पर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, जो भी आपके एरिया में पड़ता है सारे, मतलब कम से कम देखिए अगर आप लोग जितना याद रख सकते हैं उतना याद रखिएगा, 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। हरिपुर हो गया वेस्ट बंगाल में, पर रटना नहीं है। ठीक है, अपने एरिया का जरूर याद रखिएगा, बस ये कोशिश करनी है कि जो आपके एरिया में है उसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ तो ऑपरेटिंग है, कुछ यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ प्रपोज किए गए हैं। ठीक है, जो रेड में है वो तो ऑपरेटिंग मोड में है, और जो यहाँ पर येलो में है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वर्क चल रहा है उनके ऊपर। और जो यहाँ पर ये है जो ब्लू लाइन में है, जिस तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया ऊपर गोरखपुर, तो ये अभी प्रपोज है, अभी इन पर वर्क स्टार्ट हो रहा है आराम आराम से, अभी ढंग से काम स्टार्ट नहीं हुआ इन पे। तो अपने एरिया में जो भी पड़ता है आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके एरिया में कौन सा पड़ता है, और ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये टॉयलेट फॉर ट्रांसजेंडर्स। देखिए, ट्रांसजेंडर हमारे यहाँ पर थर्ड जेंडर बन गया है अब जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, बड़ी शानदार डिसीजन है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारे यहाँ पे नॉर्मली मेल और फीमेल दो जेंडर हुआ करते थे, पर लेकिन इस डिसीजन के बाद में अब थर्ड जेंडर भी यहाँ पर आएगा, और इनको भी एजुकेशन और आप लोग इम्प्लॉयमेंट में बोल सकते हैं रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए बोली गई है थर्ड जेंडर के तौर पर। देखिए, नेचुरली ये इस तरीके के बने हैं, तो इसमें हम लोगों मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम लोग इनको डिस्क्रिमिनेशन की तरीके से देखें, इनको भी इनके राइट्स मिलने चाहिए, आखिर इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2011 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो वहां पर भी देखिए पहले क्या बोला गया था, मेल
फीमेल और अदर बोला जा रहा था, पर अब इनको थर्ड जेंडर बोला जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड जेंडर मतलब हम इनको एक एक इस तरीके से सोसाइटी में इनको जगह दे रहे हैं जिस तरीके से मेल और फीमेल होता है। तो इस तरीके से हमको, क्योंकि इनका ये हक है यार, उनको छीना कैसे जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, अगर आप लोगों को भी कभी कोई ट्रांसजेंडर मिलता है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करिए, ऐसा नहीं है कि उनको एक गलत नजरिए से ट्रीट करना है, वो भी इंसान ही है, ओके। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए इंसान के द्वारा मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत प्राणी आप लोग देख सकते हैं इंसान है। अगर इंसान ही इंसान को ढंग से ट्रीट नहीं करेगा तो एक तरीके से मतलब आप लोग बोल सकते हैं भगवान गॉड अल्लाह जिसको भी आप लोग बोले, एक तरीके से उसकी तोहीन की जा रही है। तो कोशिश कीजिए आप लोग, अगर आपको कभी मिलते हैं कहीं पर भी तो उनको गलत नजरिए से न देखिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4,87,803, ठीक है, 4,87,803 आज के डेट में ये संख्या है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, सेंसस जो निकाला जाता है हमारी कंट्री में वो काउंट किया जाता है प्रॉपर वे में, घर घर जाकर। और नॉर्मली ये संख्या जो है, ये आप लोग ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट है, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो यहाँ पर भी तो यहाँ पर निकाली गई है, क्योंकि ये इनके क्या रहते हैं, घुमक्कड़ टाइप के रहते हैं, मतलब एक जगह टिकते नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं आप लोगों को देखना मिलता है अपनी रोजी रोटी के लिए। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में इनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। तो ये भी बात है आप लोग याद में रख सकते हैं। और याद रखिएगा इसके द्वारा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जब ये बात निकल के आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अभी न्यूज में क्यों है, न्यूज में यह है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए प्रोटेक्शन ऑफ द राइट बिल लेकर आ रही है गवर्नमेंट। तो उसके लिए यहां पर बात निकल के आ रही है कि किस तरीके से इनको भी ढंग से अपनी सोसाइटी में जगह प्रोवाइड करानी है। तो ये बिल भी याद रखिएगा, अगर बिल यहां पर आ जाता है तो फिर इनके लिए एक प्रॉपर वे में यहां पर सारी चीजों के लिए फोकस किया जाएगा। थर्ड जेंडर इनको बोला जाएगा, हर एक जॉब में लिए इनके लिए सारे राइट्स रहेंगे, कोई भी इनको सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा सोसाइटी में, मिलजुल कर इनके साथ में रहने का प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये केस याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है, ये याद रखिएगा। थर्ड जेंडर बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे, जो भी पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 के अंडर आते हैं सारे राइट्स इनको मिलेंगे। तो वो सारी बातें यहाँ पर की जा रही है, ओके। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। देखिए कल्चर अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो जो यहाँ पर त्यौहार वगैरह होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कई त्यौहार के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि काफी लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। यह है कंथूर, नेवल, भोतियास, थनाम, तो इसका नाम याद रखेगा। ये यहाँ पर आप लोग, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है इसको याद रखिएगा, टाइम पीरियड भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, दिसंबर 28 टू 1 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज अगर देखा जाए इसका लास्ट दिन है केरला में जो सेलिब्रेशन इसका चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये 400 थेम्स, यहाँ पर थेम्स एक तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं, मतलब पॉपुलर रिचुअल्स होते हैं, पूजा करने का एक तरीका बोलते हैं आप लोग बोल सकते हैं इसको। और नॉर्दर्न ये मालाबार, मालाबार आप लोगों ने देखा होगा अगर मैप में, आप लोगों को पता होगा, थोड़ा फोकस डाल लीजिए, ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, मालाबार बोला जाता है कोस्ट को, ठीक है। तो केरला के जो नॉर्दर्न मालाबार रीजन में है इसको सेलिब्रेट किया जाता है वहां पर। तो कुछ देखिए इस तरीके की जो टर्म्स होती हैं कई बार पूछ ली जाती है किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस तरीके के जो टर्म्स हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एक तरीके से रिचुअल है जो नॉर्दर्न मालाबार में ये इस तरीके से बोला जाता है। और थेयम का जो वर्ड है ना आप लोग देवम बोलते हैं जिस तरीके से, तो देवम या फिर गॉड हिंदी में बोलते हैं आप लोग, देव, गॉड, भगवान, अल्लाह, जो भी आप लोग बोले, उसको एक तरीके से मॉडिफाइड करके थेयम वर्ड बनाया गया है। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं हम एक तरीके से ब्लेसिंग लेने के लिए। तो 400 थेम्स यहाँ पर रिचुअल्स, डांस वगैरह, और देखिए इस तरीके की चीजें एक मतलब पुराने तरीके से जो रिचुअल्स चली हुई होती है उनको बनाकर यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, और ये डेडिकेटेड टू मदर गॉड से है यहाँ पर केरला में, और बिगेस्ट थेम इवेंट ही यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए केरला से रिलेटेड है, सबसे बड़ी बात यह आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। कई बार केरला मतलब किससे रिलेटेड है इस तरीके से स्टेट का नाम लेकर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए कि किस स्टेट से रिलेटेड है। और आपको भी जो अपने स्टेट में है जो भी सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो अपने अपने स्टेट का कम से कम पता होना चाहिए। जिस तरीके से कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा, गणपति आप लोगों को देखने को मिला महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में हो गई। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो कि बड़े बड़े लार्ज स्केल पे अलग अलग एरिया में देखने को मिल रहे हैं। छठ पूजा हो गई बिहार वाले एरिया में देखने को मिलती है आप लोगों को, इसका जो ये जो इस त्यौहार की बात कर रहे हैं हम, ये हो गया केरला में देखने को मिलता है। तो कम से कम अपने एरिया के अपने अपने स्टेट का आप लोगों को त्यौहार पता होना चाहिए, और ये इंटरव्यू के लिए भी अच्छे होते हैं और वैसे मैचिंग के लिए भी आ जाते हैं। थोड़ा सा फोकस डालते हैं आज वर्ल्ड बैंक के ऊपर। देखिए वर्ल्ड बैंक और ये इस तरीके आप लोगों को IMF, वर्ल्ड बैंक का आप लोगों ने जिक्र सुना होगा, आखिर इनको बनाया किस लिए गया था। जैसे ही आप लोग देखते हैं यहाँ पर पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, उसके बाद में आप लोगों को वर्ल्ड वार सेकंड देखने को मिला। वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में
कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिससे ये बोला गया कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक कोई भी डिप्रेशन आता है या कोई भी स्थिति कंडीशन बनती है कि वहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटी हिल जाती है इकोनॉमिक गड़बड़ होने की वजह से, तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रीजन अगर कहीं पर होता है किसी को अनस्टेबल करने का होता है तो वो इकोनॉमिक रीजन होता है। आज की डेट में आप लोग नॉर्थ कोरिया देख सकते हैं, दूसरी कंट्री भी आप लोग देख सकते हैं, वेनेजुएला का कुछ दिनों पहले एग्जाम्पल आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल रहा था, वहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी इतनी गड़बड़ में आ गई थी क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमी है वो हड़बड़ा आ गई थी। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला का अगर आप लोग उदाहरण लेकर चले, वहां पर पेट्रोलियम प्राइस इतने कम हो गए थे और पूरी जो इकोनॉमी थी वहां पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करती थी। तो इसीलिए अगर आप लोगों को मैप में भी थोड़ा दिखाना चाहूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पड़ गया यहाँ पर वेनेजुएला, ठीक है, ये आप लोगों को साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा और ये हो गया हमारा इंडिया। तो आप लोग अगर यहाँ से जाना चाहें, एक तो ये रास्ता जाने को मिलेगा और दूसरा आप लोग यहाँ से होते हुए भी यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर किसी कंट्री में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर आप लोगों को नॉर्मल सी बात है कि प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। तो यही है कि जो ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है लोन प्रोवाइड कराते हैं ताकि वहां पर स्टेबिलिटी लाई जा सके। और सबसे बड़ा काम इसका क्या है, जो मोटो है इसका, वह वर्ल्ड में से पॉवर्टी को खत्म करना। तो पॉवर्टी के ऊपर पूरा फोकस रहता है। 1945 में इसका गठन किया गया था, 1972 और लगभग इसको ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये एक तरीके से आप लोग मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मॉनेटरी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको एक असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट है खासकर बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो नाम याद रखिएगा, जिम योंग किम, ठीक है, काफी न्यूज में भी थे ये, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। लोन प्रोवाइड कराती है किसी भी तरीके से अगर, मतलब फैसिलिटी हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जहां वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड कराया। खासकर आप नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन दे सकते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी कई सारे आर्टिकल, खासकर अगर बात की जाती है वहां पर स्किल डेवलपमेंट के लिए। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एक आर्टिकल जिसमें वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। इसके 2 इंस्टीट्यूशन भी है ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD भी बोला जाता है इसको, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो इसको IDA बोला जाता है। इनमें मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा 189 यहाँ पर ऊपर वाले में है इसमें IBRD में, और 173 नीचे वाले में है IDA में। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इंडिया कौन से का मेंबर है इसमें से, या फिर किसी का मेंबर है भी या नहीं है, ये सर्च करके आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर सर्च करिएगा इसको और आंसर जरूर दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क। देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क, अगर डेजर्ट की बात आ गई तो सबसे बड़ी बात ये, दो ही जगह आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, मैक्सिमम एरिया में तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये राजस्थान में, ठीक है, और कुछ एरिया आप लोग हल्का फुल्का सा आप लोग गुजरात में बोल सकते हैं, पर मैक्सिमम आप लोगों को राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। ओके, जब डेजर्ट की बात आती है, रेत की बात आती है, तो इंडिया में अगर इसकी बात की जाए तो सबसे बड़ी बात जो होती है, एक पक्षी है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो ये दो ही कंट्री में पाया जाता है आज की डेट में, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इसकी आप लोग 99% पॉपुलेशन बोल सकते हैं दो ही कंट्री में पाई जाती है, वो कहां पर है, एक तो है इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, और ये कुछ ऐसे है वल्नरेबल कंडीशन में ये रहती है, इसको मार के भी, मतलब कई तरीके से इसको खाने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, तो इसलिए भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं और न्यूज में भी रहता है ये, ठीक है। तो राजस्थान में ये लोकेशन है, 1992 में ये एस्टेब्लिश किया गया था, वन ऑफ लार्जेस्ट नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थार डेजर्ट है ये, आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, इंडिया में पड़ता है, और माइग्रेटरी बर्ड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का तो नाम आप लोगों को याद रखना ही रखना है। बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्मली बात है, आप लोगों को कई सारी साइट यहाँ पर देखने को मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात की जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन या उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी आप लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट साइट जो थी वो हड़प्पा थी, और ये हड़प्पा कहाँ पर पड़ती है, ये पाकिस्तान में पड़ती है आज की डेट में, जब हम लोग एक साथ में थे तब तो इंडिया का पार्ट थी, पर आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ती है। और यहाँ पर डायनासोर भी पाए जाने के कुछ फॉसिल फ्यूल यहाँ पर फाउंड होते हैं, मतलब उनके भी कुछ तत्व पाए जाते हैं कि हाँ ये भी पाए जाते थे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ये हो गया यहाँ पर राजस्थान वाले एरिया में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और देखिए ये कुछ तो दिन में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, पर फिर से इनको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। अब हम जो लेके चलेंगे 1 जनवरी से लेके चलेंगे इसको, ठीक है, आप लोग साथ साथ में कनेक्ट भी कर पाएंगे यहाँ पर। 1 जनवरी से लेकर इसको चलेंगे, आप लोग देख सकते हैं 1 जनवरी को जो सेलिब्रेट किया जाता है ये आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि मैं इसको ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, पर आप लोगों का रिविजन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका मोटो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मोटो में बात की जाती है यहाँ पर सर्वे संतु निर्वाणा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया मे ऑल बी फ्री फ्रॉम द डिजीज और डिसेबिलिटी।
तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को ये हिंदी में देखने को मिल सकता है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिए, सर्वे संतु निरामया, ठीक है। तो मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड द डिसेबिलिटी, तो इसका मोटो होता है एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराना अगर कहीं पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले जो इसको स्टार्ट किया गया था 1764 में, 1 जनवरी, ठीक है, मतलब बहुत पहले इसको स्टार्ट किया गया था एक तरीके से बंगाल मेडिकल सर्विस के द्वारा, वहां पर बंगाल में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों से पूछी जा सकती हैं चीजें कि कहां पे इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मोटो क्या था ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये सेलिब्रेट किया जाता है किस डेट में ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पर जो सर्विस मैन है या फिर जो वितरांश है, इसके अलावा जो डिपेंडेंट है इनके ऊपर, तो उन सबको मेडिकल सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ आप लोगों को इसका फ्लैग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट से मतलब जो 1 जनवरी से आगे सारी डे सेलिब्रेट करते हुए ऐसे ही चलेंगे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। जौन सा दिन जिस दिन होगा उसी दिन सेलिब्रेट करते हुए हम लोग चलेंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं अपना योजना वाले पोर्शन की। योजना वाला पोर्शन का भी आर्टिकल काफी शानदार है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की जाती है जो लेबर्स हैं हमारी कंट्री में उनके बारे में। देखिए जब लेबर्स की बात आती है तो आप लोगों को कुछ वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2016, तो ये रिपोर्ट निकाली जाती है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2016। इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत पुअर क्वालिटी देखने को मिलती है लेबर्स की ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो उनको सही करने की बात की जाती है, बहुत सारे चैलेंजेस सामने रहते हैं, और खासकर इंडिया के सामने तो बहुत पुराने टाइम से चैलेंजेस है, खासकर जब से हमारा देश आजाद हुआ। 1.3 बिलियन अगर पॉपुलेशन आप लोग देखा जाए यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आज के डेट में इंडिया में है, और 70% पॉपुलेशन लगभग गांव में रहती है, और उसमें से 40 से 45 पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो देखिए कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कई तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर, सेक्स के बेस पर, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलते हैं। इसके साथ में जो भी यहाँ पर ये सारे रिलीजन या कास्ट ये सब है यहाँ पर, इनके बेस पर यहाँ पर आप लोगों को वेज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जेंडर के बेस पर वुमेन को कम तनख्वाह दी जाती है, मैन को कम ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। वुमेन को आप लोग देख सकते हैं उनको ज्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन भी नहीं मिलता है, ऊपर से जो पार्टिसिपेशन मिलता है उसमें तनख्वाह आप लोग देखते हैं बहुत ही कम मिलती है, और रेंज भी उनकी 20 से 30% तक रहती है ओनली जो पार्टिसिपेशन की। आपके देख सकते हैं कि लगभग यहां पर 50% हमारे यहां पर पॉपुलेशन है वुमेन की, पर लेकिन जो पार्टिसिपेशन रहता है वो ओनली 25 से 30% रहता है। अगर बात करें यहां पर ILO की, इसी तरीके से आप लोग देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके हिसाब से जेंडर गैप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये हमारी कंट्री में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर में है, पर हमारी कंट्री में हाईएस्ट देखने को मिलता है 26%, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये सब चीजें हम लोगों को कम करनी है, अगर कोई जॉब करना चाहती है कोई गर्ल्स तो हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ओके। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी हम लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर 50%, और पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, डिपेंडेंट हम एग्रीकल्चर के ऊपर 50% रहते हैं, पर लेकिन GDP में जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो ओनली 6% है, और 6% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, नॉर्मली तो आप लोगों को 4 से 5% ही देखने को मिलता है। तो देखिए ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर, और वहां से कोई आउटपुट निकल के आ नहीं रहा है, तो इसीलिए भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर है वो है हमारे यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब उनकी कंडीशन और भी खराब है, जो आप लोग रेडी लगाने वाले बोल सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब है। तो यही बात है कि किस तरीके से हम लोग अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में चीजें लेके आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक सोशल आउटपुट के हिसाब से अगर देखा जाए आज की डेट में 12% जो आज की डेट में डेवलप्ड कंट्री है उनमें आप लोगों को इस तरीके की वर्क फोर्स देखने को मिलती है, और जो यहाँ पर अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में तो काफी पॉवर सोशल आप लोगों को इसको देखने को मिलेगा। तो बात की जा रही है यहाँ पर लैंडलेस जो लेबर्स होती है उनकी, तो 12% आप लोगों को डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलेगा, और जो हमारी कंट्री में है मतलब डेवलपिंग कंट्री में 46% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर फोकस किया जाए यहाँ पर, मतलब 46% तो नॉर्मल आप लोगों को जो डेवलप्ड कंट्री है, और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अभी इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में भी, हमारी कंट्री में तो लगभग आप लोगों को देखने को मिल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर कितना है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर हमारी कंट्री में 90% के करीब, लगभग 10% ओनली आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर देखने को मिलता है, जहाँ पर प्रॉपर वेज होती है, मिनिमम वेज की बात की जाती है, छुट्टियां मिलती है, मेडिकल और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाती है, तो वो सारी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिल पाती है जो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। तो ये सारी बातें फोकस देकर अगर चला जाएगा तो तभी हम लोग यहाँ पर सुधार सकते हैं अपना जो ये सिस्टम होता है, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, देखिए रूरल एरिया में जो लेबर्स की कंडीशन होती है वो बहुत वल्नरेबल होती है, क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, एग्रीकल्चर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और ढंग से आउटपुट नहीं होता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और खुद की भी जमीन नहीं रहती है, आधी बार जो लेबर रहती है वो दूसरे की जमीन में काम करती है।
तो किस तरीके से उनकी वेज की बात की जाए, क्योंकि वेज सीजनल रहती है, गन्ने की फसल आती है तो कई बार जॉब मिल जाती है, कोई कटाई आता है तो कोई मौसम तब उसको जॉब मिल जाती है, वरना नहीं मिल पाती है। तो ये ट्रेंड आप लोगों का एग्जामिन करना है जो मैंने आप लोगों को बताया, और किस तरीके से इनकी जो सिचुएशन है वो इंप्रूव की जा सकती है। तो इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या आती है, मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है, यहाँ पर मिनिमम वेज की बात की जाती है। इस एक इनको फॉर्मल सेक्टर में लाने की बात की जाए, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम अलग से चलाई जाए। तो ये हो गया यहाँ पर, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और आज से ही देखिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, रिवीजन की बात की जाए तो आप लोगों के लिए लेक्चर 27 है यहाँ पर, जो यहाँ पर बात की जा रही है डीपीएसपी, तो राज्य के नीति के निर्देश तत्व है, इसको बोल सकते हैं आप लोग। ये आप लोग जरूर इसका रिवीजन करते रहिए, साथ साथ में मेरे साथ पूरी पॉलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो आगे चल रहे हो, साथ में चल रहे हो, चलते रहिए, जो रिवीजन कर रहे हैं वो भी करते रहिए। लिंक आप लोगों को सारे लेक्चर के नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे सारे लेक्चर के, और पीडीएफ के अंदर भी मिल जाएंगे। ओके, तो कोशिश कीजिए, चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि सबको फायदा हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अब देखिए अब अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा है यहाँ पर आर्टिकल 239AA के बारे में डिस्कस किया गया है, किससे रिलेटेड है इसके बारे में बताइएगा। और चौथा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताया, ये सारे आप लोगों को मैच करने हैं, किस किस एरिया में पाए जाते हैं। ओके, और जो मैंने आप लोगों से लास्ट जो क्वेश्चन पूछे थे, ये मतलब पुराने साल में जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, इनके आंसर आप लोग यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अपना जो फर्स्ट का यहाँ पर मैंने बात की थी इसका, तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सारे ऑप्शन सही हैं, जो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर, इसी के अंदर योजना के अंदर आर्टिकल था, इसके अंदर मैटरनिटी मैटर ये बिल के बारे में मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, ये सारे सही है। 26 वीक की वो लीव दी जाएगी यहाँ पर, इसके द्वारा जो मदर है उसको घर से काम करने के लिए बताया जाएगा, इसके अलावा जो उनको क्रैच की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ये भी सब ये ऑलरेडी है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है यहाँ पर अमेंडमेंट बिल आया 2017 जो इसने रिप्लेस किया 1961 का जो पुराना एक्ट था। इसके अलावा ई माइग्रेट जो है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, माइग्रेशन सर्विस ट्रांसपेरेंट किस तरीके से मैनर में इंप्लीमेंट की जाती है, उसके लिए यहाँ पर इसका फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप लोगों के लिए यहाँ पर लेक्चर हो गया, आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, और देखिए रिवीजन जरूर करते रहिए पुराने लेक्चर्स का भी। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने लेबर के बारे में डिस्कस किया है, किस तरीके से यहाँ पर ये ILO की रिपोर्ट है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद में आप लोगों को और भी ज्यादा देखने को मिला इसके, क्या कि कौन कौन सा कितना पोर्शन इंडिया में है लैंडलेस लेबर का और वर्ल्ड में, और किस तरीके से वर्क किया जा रहा है। मिनिमम वेज के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला ये क्वेश्चन, और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दूसरा ये जो रिविजन का पोर्शन है ये देखने को मिला। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, डिस्कस किया ये एटॉमिक एनर्जी के बारे में, आप लोगों को यहाँ वर्ल्ड में पैटर्न देखने को मिला, क्या इंडिया में पैटर्न है और किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाती है। इसके अलावा फिर हम लोगों को आगे देखने को मिला यहाँ पर, ये टॉयलेट के बारे में देखने को मिला ट्रांसजेंडर के लिए। इसके बाद में हम लोगों ने ये केरला में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में जो हम लोगों ने डिस्कस किया डेजर्ट नेशनल पार्क, और उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिला ये आज का दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखने को मिले, और इसके बाद में इसका आंसर देखने को मिला। तो देखिए चीजों पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है डिसलाइक कीजिए, और शेयर भी कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह में, ताकि सबको चीजें मिलती रहें, और इंजॉय कीजिए और खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए जितना हो सकता है, और पेड़ों पेड़ पौधों को और पानी को भी सेव कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।